तो आज हमारे साथ मौजूद है छतरपुर जिले की एक ऐसी ब्यूटीशियन जिसका नाम है चंचल सोनी। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये पार्लर है जो कहाँ से सीखा है और इतनी कम उम्र में भी ये काफ़ी हुनर जानती हैं, जैसे मेहंदी लगाना, ब्राइडल मेकअप करना, ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके पीछे की कहानी क्या है और अब ये इतनी सी कम उम्र में मार्केट में भी काफ़ी फेमस है। कैसे आपको लगा कि हमें अपने दम पे पार्लर खोलना है, कहीं से सीखा है या अपने मन से ये सब आ गया? आपको किसी चीज़ को करने का जुनून एक मन से होने लगे कि हमें करना है कुछ, तो भगवान धीरे धीरे उस चीज़ का रास्ता बनाता जाता है। मुझे भी मतलब छोटे से ही कुछ ना कुछ करने का मन में जिद थी, मुझे कुछ करना है कुछ करना है। धीरे धीरे इस लाइन में आने का ये आप बोल दें कि मतलब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप मतलब किसी एक से आप इस चीज़ की नॉलेज नहीं ले सकते, उसके लिए आपको हर किसी व्यक्ति से मिलना पड़ेगा और उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके लिए मैं थोड़ा बाहर भी गई और मैंने यहाँ जो लोकल में स्पेशलिस्ट है, प्रोफेशनल है जिस इस फील्ड में, उनसे भी नॉलेज ली। जैसे आप बाहर जाती थी तो लोगों का नज़रिया कैसा रहता था उस समय? सभी का नज़रिया लड़कियों के लेके थोड़ा सा वो सिक्योरिटी को भी लेके रहता था। और कुछ लोग रहते हैं जैसे कि पांचों उंगली एक सी नहीं होती, ऐसी पांचों मतलब हर पर्सन एक सा नहीं होता, हर फील्ड में हर टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। किसके सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची, किसका सपोर्ट रहा यहाँ तक पहुँचाने में? एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कला एक ऐसा आशीर्वाद है भगवान का जो मतलब हर किसी को नहीं मिलता, बहुत ही चुनिंदा गिने चुने लोगों को आप देखने को मिलेगा कि कला जैसी लाइन में आने का मौका मिलता। मुझे हुनर था, मुझे मतलब करना था इस फील्ड में कुछ, और अगर आप अपनी मतलब बोलें कि आप अपना सपोर्ट करेंगे आगे आने के लिए बढ़ेंगे तो फैमिली भी सपोर्ट करती है, भगवान भी रास्ता बनाते हैं। कहाँ कहाँ से आपको इसके अवार्ड मिले हैं? अभी जो छतरपुर में ब्यूटीशियन वाला को वो हुआ था कंपटीशन, पच्चन चाचा जी ने कराया था, उसमें मेहंदी में भी मिला है और बाहर सेमिनार्स वगैरह में गई हूँ तो वहाँ पे भी अटेंड किया है, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिली है। इस तरह से आज के समाज में लड़कियों को नहीं निकलने देते, तो उनके लिए क्या कहोगी? और उनके पास काफ़ी हुनर भी रहता है फिर भी वो घर ही में अपना हुनर दबाए रहती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज की डेट में ऐसे हो गए हैं, आप घर बैठे भी अपने आप को अगर आपके अंदर इच्छा है जुनून है करने का तो आप अपना नाम बना सकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स है या फेसबुक है, इसके ज़रिए भी आप घर से बैठ के अपने आप को बता सकते हैं कि हम हाँ कुछ कर सकते हैं। अगर आप खुद अपना हेल्प करोगे कुछ करने के लिए आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे रास्ता बनता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। मैंने खुद भी किया है, अपने साथ साथ कई लड़कियों को भी एक रोज़गार का माध्यम दिया है और उन्हें भी इस लाइन में मतलब रोज़गार मिला है और आज वो मतलब काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो गए इंडिपेंडेंट नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।